हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं दो चीज़ बताने जा रहा हूँ। पहला तो हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं तो स्टैम्प खराब होता है। आप थंबनेल में देखोगे पिक्चर एक साइड भर जाता है, चारों कॉर्नर भर जाता है, कभी बीच का डॉट उड़ जाता है, ये हमेशा का होते रहता है, मेरे इधर भी होते रहता है। तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा वो, और ये जो आप मशीन देख रहे हैं, दो तीन ऐसा मशीन देख रहे हैं आप, नायलॉन का एक छोटी मशीन आती है 9 इंच की, और ये 18 इंच की आती है, और ये सेल्फिंग आती है। ये सब की प्राइस कितनी है, कौन सी मशीन अच्छा है, कौन सा खराब है, ये सब बताऊंगा। और अभी हम चलते हैं, जो सभी लोगों को DTP में ये हो रहा है कि वो रिवर्ट प्रिंट लेना है, कि कैसे प्रिंट लेना है, ब्लैक कैसे करना है, बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है मुझे दिन भर में, समझिए कम से कम तो 50-100 फ़ोन आते हैं, ऐसा क्या क्या क्या। तो प्लीज़ आप मुझे लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना वीडियो देखिए, फ़ोन कॉल से ज़्यादा क्योंकि दूसरे को भी डिस्टर्ब होता है। एक दो फोन ठीक है, आप दिन भर कंटिन्यू कोई कोई करते रहते हैं तो प्लीज़ आप ये देखिए। और दूसरा तीसरा बात कि अगर आप वीडियो पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमेशा देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ रहे तो मैं कमेंट का भी जवाब देता हूँ, हर कमेंट का जवाब देता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड, और तीसरा चौथा क्या है जो मैं आपको बताया था कि हम 500 में जो आपको ये दे रहे हैं वो क्या है, ये हम ऐसा PDF भेजेंगे आपको, आप डाउनलोड करके ओपन विथ करके ओपन करना है, जो भी सॉफ्टवेयर के साथ आप चाहेंगे ओपन हो जाएगा वो। तो वो क्या क्या है उसमें, हम आप पहले एक फाइल दे रहे थे, अभी हमने 3 फाइल सोचा है। एक तो ये देखो, आपको ये पूरा डिज़ाइन मिलेगा, इसमें आप चेंज कर सकते हैं जैसा भी चाहिए आपको, नाम चेंज करके ऐसा रहेगा, एक हो गया। दूसरा ये है, ये भी उसके साथ रहेगा। एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि मुझे थैंक यू का भी चाहिए ये वाला, तो इसके लिए मैंने और थोड़ा ऐड कर दिया। तीसरा एक और मैंने बनाया उसमें कि अगर और कुछ थोड़ा बहुत जो मेरे पास है, आपको पता है कि मैं देने में एकदम चाहता हूँ मैक्सिमम चीज़ दूँ जो आपको, ये देखो और दिया मैंने कि ऐसा राउंड का डिज़ाइन, ऐसा सोसाइटी का डिज़ाइन, थैंक यू का ये वो, तो ये सब मैंने देना है मुझे 500 में। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, व्हाट्सअप करो मेरा नंबर पे, या मेल करो मुझे, आपको मैं भेज दूँगा। अभी आते हैं वीडियो पे। तो अभी सभी क्या करते हैं लोग, ये करने के बाद कैसे क्या करना है, रिवर्ट क्या करना है, वो सब कुछ भी नहीं है, सिंपल सा इसको ये करना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, राइट क्लिक करके इसमें सिंपल ही इन्वर्ट कर देना है, कुछ भी नहीं, रिवर्स प्रिंट ये सब नहीं करना है। ये सिलेक्ट किया, ये हो गया। अभी पेपर बचाने के लिए हम कैसा उसको ऐसा कर देंगे 90 डिग्री पे, जिससे कि अपना पेपर सेव होएगा। और ये ट्रेसिंग पेपर है, सब लोग बोलते हैं कौन सा ट्रेसिंग पेपर, यूटोप्लेक्स का ट्रेसिंग पेपर हम यूज़ करते हैं, और आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं और कौन सा नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया, अभी आप देखिए हम इसको, और अपना प्रिंटर कौन सा है, HP LaserJet 1P1007, सब बताया मैंने। आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, आपको हमको फ़ोन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं इतना सारा डालता हूँ, सभी मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आपको दे दूँ जो मेरे पास है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश हमारा यही रहता है कि हमारे पास ना रखें, कि लोग को स्टैम्प बनाने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरा फ्री में, और मैं लाइव भी आने वाला हूँ बहुत जल्द, वो लोगों का ये है, मैं लाइव ट्रेनिंग देने वाला हूँ बहुत जल्द, शायद मैं डेट रखूँगा आपको, ये सैटरडे लास्ट सैटरडे तो नहीं, अभी 7 तारीख है ना, ये तो सेकंड सैटरडे था, अच्छा था, लेकिन अभी आज बोलूँगा तो लोग उतना जुड़ नहीं पाएंगे कल के दिन, तो अभी हम रखते हैं 22 तारीख को, 22 सैटरडे को ना, आप लोग टाइम मुझे कमेंट करो कितने बजे का टाइमिंग चाहिए स्लॉट, उतने बजे 2 से 4 ऐसा कुछ बताओ आप, जिसमें आप लोग को टाइम ये हो, हम 22 तारीख को रखते हैं, ठीक है। अभी ये इन्वर्ट कर दिया, अभी ये प्रिंट ले लेते हैं सीधा ट्रेसिंग पेपर पे, LaserJet से प्रिंट ले लिया। हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें ना इंकजेट से भी, या तो फिर वो जो ट्रांसपेरेंट पेपर आते हैं ना OHP जैसा, उस पर भी एक मेरे फ्रेंड बनाते हैं, उनको मैं मटेरियल सप्लाई करता हूँ, उनका ना आपको वीडियो दिखाऊँगा। ये देखिए प्रिंट ले लिया, अभी अब आगे का काम मैडम करेंगी, उस पर ब्लैक मार के कैसा, आप हमेशा पूछते हो ब्लैक कैसा करने का, क्या करने का, वो आप देख लो आप ब्लैक कैसा करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए वो
हम ब्लैक कैसे मारते हैं ना वो देखिए। आप एक पूछ रहे थे मुझसे कि उसमें हवा कौन सा गर्म मारने का ठंडा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी हवा मार सकते हैं। और नहीं भी मारोगे ना कुछ देर खड़ा रखेंगे ना तो ऐसे ही सूख जाएगा वो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर हवा भी देना है। लेकिन हवा क्यों देते हैं हम, जल्दी के लिए, क्यों थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अभी देखिए वो स्प्रे मारने के बाद ना उसको ऐसे स्प्रे मारना है, उसके बाद इसको फैन के नीचे ऐसा, ये कोई रूल नहीं है, आप इसको ऐसा मत समझो ये रूल है, रूल नहीं है ये, ऐसा करने से जल्दी सूख जाता है बस इतना ही समझो। आप ऐसे भी रखोगे तो भी सूख जाता है, इसलिए हम आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि फ़ैन चालू करो या ड्रायर लो या कुछ लो, ठीक है। अभी ये आगे बढ़ाएंगे, तब तक इसका आगे का तो प्रोसीजर सबको मालूम ही है, तब तक हम लोग ना मशीन देखते हैं। आप आ जाइए, ये देखिए ये नायलॉन की मशीन है, ये है 18 इंच की, और इसमें ना एक दो आती है, 9 इंच की छोटी मशीन आती है जो वो स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाया, वो 5,000-6,000 से स्टार्ट हो जाती है, 4,000 से भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सिंगल ट्यूब। लेकिन अभी हम लोग लिक्विड का बनाते हैं तो हम लोग को डबल ट्यूब चाहिए, ऊपर नीचे ट्यूब चाहिए, तो वो छोटी वाली मशीन जो है ना 6,000-8,000 की मशीन स्टार्ट हो जाती है। एक तो बहुत खूबसूरत, पता नहीं किसकी कंपनी की थी, मैंने देखा था लेकिन पता नहीं चला मुझे कौन बनाते हैं, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है मैनुफैक्चर को, ज़्यादा को मैं जानता नहीं इस लाइन में, तो मैं ज़्यादा से ट्राई नहीं किया किसी के पास। तो अगर मुझे पता चलता है तो किसी का अच्छी मशीन अगर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अभी जो हमको जो सप्लाई करते हैं उनकी मशीन ये है, उसमें ये 18 इंच की मशीन है, इसमें 8 ट्यूब है, 4 ऊपर 4 नीचे, अच्छी मशीन है, मैंने बहुत बेचा है, कंप्लेन नहीं है एक भी, 0 कंप्लेन है। तो ये जो छोटी वाली मशीन बताया आपको ये, और ये है 12,500 की मशीन है, 2,500 का मटेरियल किट देते हैं हम, 2,500-3,000 का, मतलब 15,000-16,000 में ना आपको टोटल आ जाएगा। उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, और सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, एक जिलेटिन रोल है, दूसरा ये बैक सीट लगता है, ये देखिए इधर बैक सीट रखा हुआ है, ऐसा बैक सीट हो गया, ट्रेसिंग पेपर तो आपको उधर ही ले मिल जाएगा, ये दोनों नया हो गया, तीसरा क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो ये अलग अलग कंपनी है, ट्रोडेट का है, कोलब का रहेगा, कोलब का है, ये कोलब है, फिर फ्लोरा है, देखो फ्लोरा का है। और हम तो ऐसे, हम ज़्यादा जिसको ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा लगता है, तो देखिए हमने ड्रम लेके रखा है, ये देखिए ये ड्रम है, तो हम ऐसे ही ड्रम ले लेते हैं, आप भी जिनको ज़्यादा है उनको ड्रम ले लेंगे, उनको किलो किलो का टेंशन नहीं। और ये जो मशीन है ये देखिए, वो तो आपको दिखाया मैं, अभी ये सेल्फिंग वाली मशीन है ये, लेकिन अब अभी उसको खोलूंगा नहीं, नहीं तो फिर से पैक करना पड़ेगा, आपको दिखाता हूँ। इधर आइए, जिस पे हम बनाते हैं वो मशीन दिखाते हैं, देखिए एक तब तक मशीन बन रहा है, आप वो देख लीजिए स्टैम में, आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो एक साइड भर जाता है और एक साइड पूरा लेटर ही उड़ जाता है, डॉट ही उड़ जाता है, एक साइड पूरा डीप ही नहीं आता, एक साइड पूरा डीप आ जाता है, वो क्या समस्या है, वो क्यों ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेल्फिंग वाली मशीन देखिए, ये है ये वाली मशीन है, इसमें भी कोई कंप्लेंट नहीं है, ये भी 12,500 की है, उसमें 2,500 का किट देते हैं हम पूरा, जितने का मशीन का प्राइस है उतना आपको फर्स्ट टाइम में ही निकल जाता है। उसमें क्या है, ये प्रिंट 50 पीस आता है, 50 पीस दे देते हैं हम, और एक इंक बोतल दे देते हैं, तो कस्टमर जो लिया समझो तो 15,000 की स्टैम्प 300 रुपये का प्राइस पकड़े तो 15,000 की निकल जाते हैं आपको, इंक का बोतल फ्री दे देते हैं, फिर वो दे देते हैं, ये अपना ये है ऐसा 1.25 किलो का ना आपको इंक का बोतल दे देते हैं, वो उतना में पूरा हो जाता है, वो तो बच भी जाएगा। तो ये स्कीम है, अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप कर सकते हैं, और बाकी कुछ चाहिए रहेगा तो है हमारे पास, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा अगर आपको होम टाउन में इजीली मिलता है सस्ता तो आप वहाँ से लो, अगर नहीं मिलता है तो ठीक है यहाँ से हम कर देंगे। अभी हम आते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो देखिए, अभी हमने लिक्विड डाला, अब थोड़ा आप इधर ध्यान दे दो, अब अपन आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, क्यों क्या है बैक सीट। तब तक हम क्या करते हैं, अभी देखो इसमें होता क्यों है ना, वो आपको मैं फर्स्ट रीज़न बता देता हूँ कि क्या अवॉइड करना है। समझे, हम क्या करते हैं, मैक्सिमम दिन कस्टमर खड़ा रहता है, हमको हमारा क्या है, हम 1 आवर में दे देते हैं कस्टमर को, तो हमारा प्रेशर क्या रहता है, जल्दी से बना के दो दो, तो समझो क्या कभी कभी 5 से 10 मिनट में स्टैम्प देना पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे लिक्विड अभी डाला ना बीच में दिख रहा है आपको, तो हम इसको फैलने नहीं देते, हम क्या करते हैं वो बताता हूँ आपको, वो मिस्टेक है क्या पहले वो समझ लीजिए पूरा, तभी आपको भी लगेगा हाँ यार सही बोल रहा था, इसके कारण ही ख़राब होता है।
अपन क्या कर देते हैं ना, डाले और फटाक से बैकसीट डाल देते हैं, तो क्या लिक्विड जो होता है अंदर मूविंग ही रहता है, मूविंग मतलब लिक्विड इधर से उधर हिलता ही रहता है और हम टाइम दे देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है वो लिक्विड पर टाइम लेता ही नहीं है, तो लिक्विड वो जहाँ जिस साइड लिक्विड कम हो गया वहाँ से क्या हो जाएगा भर जाएगा, और जिधर लिक्विड ज़्यादा हो गया उधर क्या होगा उधर के डॉट्स उड़ जाएंगे। अभी देखिए 4 का 5 का फॉन्ट है ये साइड में, अगर थोड़ा भी लिक्विड मूविंग रहा तो डेटर लेटर सब उड़ जाएगा। तो हम आपको क्या बताएं, देखिए अभी हमको ज़्यादा लग रहा है कि लिक्विड ज़्यादा है, तो हम क्या किया लिक्विड निकाला, और हमारा ख़राब ज़्यादा क्यों हो जाता है क्योंकि मूविंग करते रहते हम, कुछ ना कुछ R&D कर देते हैं मशीन में, तो उसमें क्या होता है वीडियो बनाने के लिए हमने कुछ दिखा देना पड़ता है कि निकाल दिया कुछ कर दिया, तो फिर उसमें क्या हो जाता है ख़राब हो जाता है। तो आपको वो सब ध्यान रखना है कि मशीन ना हिले ना, तो आपका जजमेंट रहेगा कि हाँ इस पे लिक्विड इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है, वो सब भी बहुत मायने रखता है आपका। अगर मशीन एक साइड झुका रहेगा लिक्विड एक साइड ज़्यादा हो जाएगा तो आपका स्टैम्प एक साइड ख़राब होता, आपको लगेगा ये मशीन का प्रॉब्लम है, मशीन का प्रॉब्लम नहीं रहता है। ये देखिए हमने इतना सारा निकाल दिया लिक्विड, लेकिन ये साइड ना लिक्विड अभी तक पहुंचा नहीं है, तो अभी ये साइड ना पहुंचाना ऐसा मतलब सबसे अपने को ध्यान क्या देना है ना, बीच बीच से लिक्विड निकाल के कॉर्नर पे डालना है, उससे क्या होगा आपका कॉर्नर जो भर रहा था वो बच जाएगा। अभी देखिए इधर भी सेंटर से कॉर्नर से लिक्विड नहीं निकालेंगे, सेंटर में से लिक्विड निकाल के चारों कॉर्नर पे डालना है, तो क्या होगा आपका कॉर्नर नहीं भरेगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको और कुछ लग रहा है प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़, एक मेरे कस्टमर है वो सर नैनीताल के हैं, वो 70 के आसपास है, सर बनाते एकदम बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं सर, तो सैल्यूट है उनको, इतने उम्र में 70 की उम्र में इतना काम करना बोले तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग का भी हालत ख़राब होता है, 40s में ही लगता है कि बस अब नहीं बोले ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन वो लोग को सैल्यूट करना चाहिए जो इतनी उम्र में भी काम कर रहे हैं सर वो। अभी देखिए हमने बैकसीट थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रख लिया हम, क्योंकि वॉशिंग के लिए ना वो ज़रूरी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि एक साइड भर गया है और एक साइड पूरा डीप है खड्डा, उधर डॉट उड़ गया है मतलब, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, अपने को उसको कैसे रोक सकते हैं हम। तो अभी हमने क्या किया देखिए, करीब करीब मैंने चारों कॉर्नर भर दिए, दोनों साइड में लिक्विड बराबर है, इधर अभी भी लिक्विड ये साइड में कम लग रहा है मुझे देखो, तो आपको वही समझना है कि क्या अभी मुझे इधर भरने का चांस लग रहा है, तो आप ये ध्यान देख लो पहले ही, आप हमको क्या लग रहा है इधर लिक्विड बराबर है, इधर बराबर, इधर बराबर, उधर कम लग रहा है, अभी हम क्या करते वो देखो आप, ऐसा बैकसीट डाला जो रफ साइड है वो नीचे जाएगा, चिकना वाला ऊपर रहेगा, ग्लोसी साइड ऊपर रहेगा, रफ साइड नीचे रहेगा, ठीक है। अभी देखो बोला था ना मैं उधर लिक्विड कम है, दिख रहा है ना बबल्स आपको। अभी हमको क्या करना है, इसको ऐसा रखा, ग्लास रखा, जब तक आप ग्लास रखोगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ लिक्विड, देखो इधर से ओवरफ्लो हुआ लिक्विड, इधर बराबर हो गया इधर से, तो हम क्या करेंगे हल्का सा पुश कर देते ऐसा हल्का सा, ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा इधर से लिक्विड पूरा उधर चला जाएगा, तो फिर इधर भर जाएगा, इधर पतला करना था लेकिन हुआ नहीं पतला, इधर देखिए लिक्विड ज़्यादा हो गया, जो कि ज़्यादा नहीं चाहिए था क्योंकि छोटा छोटा लेटर है, तो उधर लिक्विड कम रहना चाहिए, उधर अगर ओवरफ्लो हुआ देखिए मेरा हो गया है, ओवरफ्लो थोड़ा हो गया है लिक्विड, मुझे और थोड़ा निकालना चाहिए था लेकिन कम निकला है, फिर भी देखते हैं ट्राई करते हैं हम, क्या टाइम थोड़ा बढ़ा देना है, देखा आपने अगर ऐसा लिक्विड ओवरफ्लो होना थोड़ा सा आप टाइम बढ़ा दो सिर्फ बस। अभी क्या करना है, दोनों ऑन कर दिया, टाइम दे दिया हमने, अभी देखो क्या दे दूँ टाइम, कन्फ्यूजन है थोड़ा क्योंकि हमने गलत किया, लिक्विड बाहर निकला है थोड़ा, तो उस समय थोड़ा क्या रहा अपना रुकना भी है, लिक्विड को निकलने देना है भाई, तू जितना निकलना है निकल ले, अगर निकलने के पहले टाइम दे दिया ना तो डॉट उड़ जाएगा, इसलिए अगर ज़्यादा लिक्विड थोड़ा बाहर गया तो आपको वेट करना है कि लिक्विड जो निकलना है निकल जाए, अभी निकल गया है, अभी इसके बाद तो स्थिर है, तो हम क्या करेंगे अभी 87 देते हैं, 7 ऊपर का और 80 नीचे का, ठीक है। अभी हमने ऑन कर दिया, अभी हम ना 80s में ना ऊपर का बंद करेंगे या 79 में, ओके 79 में हमने ऊपर का बंद कर दिया,
यानी 8 सेकेंड ऊपर दिया मैंने, और दूसरा अभी जो 88 था वो। तो अभी देखते हैं इसके बाद क्या है, तो आपको सामने ही दिखाता हूँ। हमने कट नहीं किया है और मैक्सिमम तो हमको कट भी टूटता हूँ, एडिट वेडिट ज़्यादा समझता नहीं है और ज़्यादा हम करते भी नहीं है। हम आपको पूरा ही दिखाते हैं कि जो एक्चुअल हुआ, इसलिए मेरा बहुत सारा वीडियो लॉन्ग लॉन्ग रहता है। जो भी होता है ना वो मैं रियल दिखाता हूँ आपको कि हाँ रियल में क्या इशू होता है अपने साथ, क्या होने के बाद क्या वो स्टैम्प ख़राब होता है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। बाकी तो आप इतना दिन से बना रहे हैं, आपको सब पता है। तो अभी बहुत सारे लोग ना नेगेटिव यूज करते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि आप करो ट्रेसिंग पे, वो एक्स्ट्रा का एक्सपेंस क्यों, जब अपना बटर पेपर से ब्लैक करके काम हो रहा है। अभी हमने वीडियो का स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया कि क्या कैसे बनता है। हम तो उसका ट्रेनिंग हम शुरू से ही दे रहे, फर्स्ट वीडियो से ही आपको पूरा सिखा रहे कि वो कैसे होता है। ब्लैक प्रिंट लेना है अपना और उसको प्रेस मारा, उसको हो जाता है रेडी, वो काम होते रहते हैं अपना। टाइम ख़त्म, अभी आप निकाल के देख सकते हैं कैसा हुआ है। बस कुछ सेकंड है, 5 सेकंड बच रहा है, तो अभी करते हैं। ये देखिए मशीन हो गया बंद, अभी हम निकालते हैं इसको बाहर। और देखते हैं, ये देखिए ये निकाला, ये देखिए। अभी आपको कोई भी साइड ना भरा हुआ नहीं दिखेगा, इधर सिर्फ दिखा, हमने उधर से पुश किया था लिक्विड, देखिए उधर को साइड को, क्योंकि उधर को साइड लिक्विड कम था, तो पुश करने से ये प्रॉब्लम होता है। ओके फ्रेंड, अभी देखो निकाला मैंने, लिक्विड निकाल लिया उसका जो भी एक्स्ट्रा था। अभी हम क्या करते हैं फटाफट वाशिंग करके आपको दिखाते हैं कैसा आया, ये चारों कॉर्नर भरा क्या या बराबर आया, ये सब आपको ना वाशिंग करने के बाद क्लियर दिखेगा, एकदम परफेक्ट आया है, कहीं से भी कुछ ये नहीं आया, कोई भी साइड भरा नहीं है। आपको जो पिक्चर डाला था देखो थंबनेल में, आपको पिक्चर दिखेगा वो एक साइड क्यों भरता है, वो सब आपने मैंने करके दिखाया आपको। अब उसमें से एक स्टैम्प आपको ना कट करके स्टैम्प मार के भी दिखाता हूँ, दो पानी से साफ कर देंगे, तो फिर जितना भी वाशिंग अच्छा करेंगे ना उतना अच्छा इम्प्रेशन आएगा। तो प्लीज़ आप ना वाशिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, ऐसा नहीं कि कैसा भी वाशिंग करेंगे तो नहीं, थोड़ा भी लिक्विड का या कुछ भी अंश नहीं रहना चाहिए। तो अपने को सबसे ज़्यादा ना फिर वाशिंग पे ध्यान देना है, तो उसको ना प्लीज़ 2-3 बार पानी से एकदम अच्छे से कर दो वाशिंग, क्योंकि अच्छा वाशिंग रहेगा ना तो क्लियरिटी अच्छा आएगा। टाइम को प्रोडेट कोलप में आप डालोगे उसका इंक देखो कितना अच्छा आता है, तो अगर आप स्टैम्प रबर अच्छा देंगे, ये देखो क्लियरिटी देखो आप, ये देखो, देखा आपने कितना सुंदर है चारों साइड, देखो इधर लिक्विड कम था हमने ऊपर सरकाया था, तो हल्का सा क्या हुआ इधर से लिक्विड क्या हुआ ऊपर गया, तो देखो इधर हल्का सा जो साइड मतलब लेटर पे कुछ नहीं हुआ, लेटर का डीप तो उतना ही है, बाहर का बॉर्डर थोड़ा ये हुआ क्योंकि वहाँ से बैक साइड आगे ये हुआ ना। अभी हम इसको क्या करते हैं हाइपो के पानी में डालते हैं, ये देखिए तब तक
आईपो के पानी में आधा एक मिनट डाल देने का, छोड़ देने, इससे क्या हो जाएगा आपका लेटर हार्ड हो जाएगा पूरा, दूसरा जो चिकट है वो चिकट नहीं देगा। अभी क्या होगा, नया नया आप हाइपो का पानी डालेंगे ना तो लेटर चिकट रहेगा, तो क्या करना, थोड़ा सा हाइपो आप बढ़ा देना। जब हम पानी चेंज करते हैं ना एक 15 दिन के बाद 8 दिन के बाद हाइपो का, तो क्या एक आध दिन चिकट आता है, तो उसमें क्या करते हैं थोड़ा हाइपो ज़्यादा डाल देना, फिर उसमें पानी डालते रहना आप। ऐसा नहीं कि रोज़ हाइपो का पानी फेंकते नहीं है, हम तो लंबा खींचते हैं 15 दिन तक लेके चले जाते हैं। ये देखिए हो गया, ये अभी इसको ना फटक से निकाल लेते, ये देखिए ये पानी ना वाइट वाइट होगा, जहाँ नीचे आएगा ना इसका हाइपो का पानी गिरेगा ना पूरा वाइट वाइट हो जाएगा, इसलिए इसको पूरा ऐसा बूंद निकालना। ये देखिए जो वाइट वाइट दिख रहा है ना वो हाइपो का ही पानी है। अभी अपन आ जाते हैं फटाफट, आपको स्टैम्प मार के दिखाता हूँ छोटा लेटर वाला। इसको अच्छे से साफ करना है, अगर अच्छे से साफ नहीं करेंगे ना तो चिपकेगा नहीं बराबर, इसलिए इसको प्लीज ना अच्छे से साफ करो। तो अभी मैंने क्या बता दिया आपको, मशीन का प्राइस बता दिया, स्टैम में क्या प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है वो भी दिखा दिया, अभी आपको दिखा रहा हूं मैं एक स्टैम्प इसमें सिंगल, जो ट्रोडेड पॉकेट है 4-5 का फॉन्ट है, तो देखो कैसे बनता है, कैसा इंप्रेशन आता है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या करना है, पूरा निकाल देना है ट्रेसिंग के साथ, पूरा अलग करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जैसे हम निकालेंगे रेड एंड ब्लैक खूबसूरत दिखता है, तो ये किया तो पुश किया और ये देखिए, और इसको क्या किया ये ऐसा सीधा होना चाहिए, तो आपको सीधा कैसा चेक करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऐसा ऐसा मारे तो सीधा आना चाहिए, आपको दिखाता हूँ उस टाइम मार के। हाँ ये देखिए इधर आ जाते अपन, ये देखिए ऐसा देखा आपने, क्लियरिटी देखिए, डॉक्टर का है ज़्यादा जूम करके नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन आप दूर से ही देखो कितना क्लियर आता है। ऐसा किया, ऐसा किया, ये देखो 3-4 का फॉन्ट है, 6 का फॉन्ट है, 8 का फॉन्ट है, लेकिन आप क्लियरिटी देखो, एक एक वर्ड पढ़ सकते हो। अरे हम सबसे ज़्यादा स्टैम्प ये बनाते हैं, ये डीवा पाटिल का स्टैम्प डॉक्टर लोग का रहता है, हम हर दिन 8-10 बनाते रहते हैं। आप भी अपने इधर जो हॉस्पिटल है उसका कॉन्टेक्ट करो आप, आपके लोकल हॉस्पिटल में, और बच्चे लोग जो पढ़ते हैं उसका स्टैम्प वो ज़्यादा बनता है, जो डॉक्टर थे उनका स्टैम्प बनता है, स्कूल का बनता है, कॉलेज का बनता है, और किसका, हाँ वो जो म्युनिसिपैलिटी रहता है, जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहता है उसका स्टैम्प बनता है, और किसका बताऊँ, हर एक ऑफिस, यहाँ तक कि जो भी दुकान है, छोटे दुकान हो, किराने का दुकान हो, पान की दुकान हो, बड़े ऑफिस हो, बड़े बड़े कंपनी पकड़ लिया तो आपने 2-3 पकड़ा तो आपको स्टैम्प बनाते टाइम नहीं मिलेगा, तो पकड़ो आप उनको, अच्छा रेट दो, अच्छा सर्विस, अच्छा क्वालिटी दो, मिलेगा ऑर्डर। ये देखो आज हमने ना ये किया था, एक थैली प्रिंट के लिए मुझे असम से फ़ोन आया था उनका सर का, ये देखो हमने किया है थैली का, तो ये थोड़ा सा ना ये हो जाता है जब तक देखो सूख गया है ना वो नहीं मिटता है। देखो ये सबसे पहला स्टैम्प मारा था मैंने, वो देखो, और जिसमें वो मैंने कैसे किया था एक ही स्टैम्प पैड पर मारा था, ये देखिए उसके लिए ब्लैंक स्टैम्प पैड होना चाहिए, हमने क्या इस पर ही डाला था, तो इसे शॉर्ट्स डाला है आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए जो सूख गया ना वो नहीं उड़ रहा है, यानी ये सक्सेसफुल है। तो अगर आपको किसी को ये चाहिए तो अपने पास इंक है अवेलेबल, थैली पे मारना या वाटर बॉटल पे मारना है तो वो मार सकते हैं आराम से। तो हमने ये थैंक यू का बनाया था, उसको ही मार के लिया था, ये देखिए इसको ही। तो प्लीज़ अगर किसी आपके पास क्लाइंट है ऐसा तो आप उनसे संपर्क करो, और उनको आप बना के दे सकते हैं, बैच कोडिंग बोलिए या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट MRP ये सब के लिए इंक है अपने पास तो हम करके दे सकते हैं। ओके फ्रेंड थैंक यू। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
स्टैम्प देखो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद।